बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 112 न्यूज़ देखने वालों को खुश आमदीद। नीलम मणि ने जिंसी ज्यादती केस में अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अदालती असलाहत का मुतालबा कर दिया। ड्रामों और फिल्मों की मरूफ अदाकारा नीलम मणि ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक खातून मुआशरे के चंद दरिंदों की हवस की भेद चढ़ती नजर आ रही है। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने मुआशरे की तलख हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा कि मुआशरे में मौजूद मुलजमान और जानी जो कि आज भी बिना किसी खौफ के इस तरह के जुर्म करते रहते हैं जैसे इन्हें इस्तनेशना हासिल हो। नीलम मणि ने मुतालबा किया कि हमारे मुल्क में अदालती असलाहत की ज़रूरत है जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा भी किया था, लेकिन अब तक इस ज़मन में कुछ नहीं किया जा सका। मोटरवे पर खातून से ज्यादती, फनकारों का मुलजमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। अदाकारा ने CCPO लाहौर उमर शेख के मुतनाज़ बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि CCPO का तमाम मामले में खातून को जिम्मेदार करार दिए जाने के बयान पर मेरा खून जल रहा है, क्योंकि इस तरह के बयान सिर्फ कोई बीमार ज़हन शख्स ही दे सकता है। और सितम ज़रीफ़ ये के वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि उमर शेख को वक्त देना चाहिए ताकि मामलात बेहतर हो सकें। ये किस तरह के लोग हैं, क्या इन्हें कोई शर्म हया नहीं? अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। वाज़ह रहे कि दो रोज़ कबल लाहौर मोटरवे पर गुजरांवाला की रिहायशी सना नामी खातून के साथ अफसोसनाक वाक़या उस वक्त रूनमा हुआ जब लाहौर मोटरवे पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इस दौरान मुलजमान ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए खातून को जदोकोब किया और गाड़ी के शीशे तोड़कर उन्हें गन पॉइंट पर खेतों में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बना लिया।